इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोकला मंडल मधुबन उदयपुर। उदयपुर के फतेह स्कूल स्थित हनुमान जी मंदिर के महंत सुरेश गिरी जी के देवलोक गमन के बाद महंत अमर गिरी जी अब नए महंत होंगे। मंगलवार को अमर गिरी जी को मंदिर के महंत की पदवी दी गई। इस अवसर पर मेवाड़ के कई महंत एकत्रित हुए और अमर गिरी जी की चादर विधि से रस्म अदा की गई। इस मौके पर महंत सुरेश गिरी जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भी याद किया गया। इस मौके पर महंत अमर गिरी जी ने कहा कि इस पद को संभालने के बाद सुरेश गिरी जी के सभी सपने को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। उन्होंने बताया कि संचालित गौशाला के विकास कार्यों में भी और बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही शिक्षा लेने विद्यार्थियों के भी सारे कार्य में उन्नति की जाएगी। इसके अलावा समय समय पर होने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा सहयोग किया जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत श्री सुरेश गिरी जी महाराज, जिनका अभी दो दिन पहले देवलोक गमन हुआ, उनके स्थान पे मुझे इस बालाजी मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैं सभी भक्तजनों जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उनका हमेशा सदा सहयोग चाहूँगा और हमारे अखाड़े के जो भी वयोवृद्ध महंत लोग हमारे यहाँ पधारे हैं, उसमें गुजरात से आए हुए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से, नाम श्री नीलकंठ गिरी जी महाराज हैं, हमारे शिवशरण गिरी जी महाराज जी हैं, धर्मेंद्र गिरी जी हैं, कैलाश गिरी जी हैं और यहाँ मेवाड़ मंडल के संत पधारे थे, उनकी उपस्थिति में आज मेरी चादर विधि करी गई है। श्री सुरेश गिरी जी महाराज के जो भी अधूरे सपने हैं, यहाँ गौशाला का संचालन होता है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और भी कई सामाजिक धार्मिक कार्यों में उनका सहयोग रहा है, तो मैं पूरे उसी तरह से उनको निभाने की कोशिश करूँगा। मैं सभी भक्तों से और यहाँ के जो भी धर्मप्रेमी जनता है उनका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहे तो मैं सारे कार्य करूँगा। ये स्थान बहुत पुराना है, जब महाराज गोपाल सिंह थे अपने, उन्होंने महाराज कन्हैया गिरी जी को दिया था, यहाँ 3 बीघे ज़मीन दी थी उनको, उनको हाथी बांधने, क्योंकि कन्हैया गिरी जी ने महाराज गोपाल सिंह से कहा था कि हमारे पे हाथी दो, उन्होंने हाथी दिया, फिर हाथी बांधने को जगह दी, तो ये हाथी बांधने के लिए जगह दी थी, फिर बाद में मंदिर बना। कन्हैया गिरी जी रहे, इसके बाद आए गोकल गिरी जी, उनके शांत होने के बाद वो भी 30-40 साल रहे हैं, इसके बाद वो शांत हुए 82 में, फिर महंत सुरेश गिरी जी को बैठाया। अभी जो है वो मेले में गए थे, वहाँ से कोरोना पॉजिटिव होके आए, 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, इसके बाद जो है उनका जो है कितने तारीख है अभी 20 तारीख को वो शांत हो गए। इसके बाद अभी गद्दी पे अमर गिरी जी को नियुक्त किया गया। अब आगे अमर गिरी जी इस मंदिर को किस तरह से चलाते हैं, विद्यालय खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं, गौशाला चल रही है, विद्यार्थी भी रहते थे लेकिन अभी कोरोना काल में सब चले गए हैं। आगे इस मंदिर का नव निर्माण जो भी करना है अमर गिरी जी करेंगे। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए, एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9922997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट।